से जाएंगे आज, क्योंकि आगे थोड़ा एनसीसी वगैरह की प्रैक्टिस हो रही है, तो बीच में से निकलना अच्छा नहीं लगेगा। पीछे से चलते हैं। ये है गाइस हमारा कंप्यूटर रूम एंड यहाँ पे हमारी लॉ की क्लास, यहाँ पे हमारी लॉ की क्लासेस होती हैं। सो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं हम। ये हम बैक साइड से आ गए हैं, यहाँ पे वैसे बच्चे बैठे रहते हैं, अभी थोड़ा खाली है, थोड़ा टाइम होते ही आने लगेंगे सब। देखते हैं आगे जाके। यहाँ पे होती थी गाइस पहले हमारी क्लासेस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन अभी शिफ्ट हो गई हमारी क्लासेस तो बीए डिपार्टमेंट में होती हैं। अभी दिखाएंगे आपको आगे, और अपने कॉलेज का टूर मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो ज़रूर उसमें आपको करवाऊँगी। सो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर होती है हमारी क्लासेस, सो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह जब मैं पहुँची तो खुल ही रहा था ये। ये देखिए गाइस हम एंटर करते हैं यहाँ पे। अभी खाली हैं सारे क्लासेस। हमें यहाँ से ऊपर जाने हैं। इतनी ऊपर चढ़ के गाइस यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठ के बस क्लासेस लेने आ जाओ, यही बात है। तो देखते हैं आगे। इतने सुबह आया भी नहीं है कोई अभी, तो अभी एक दो बार तो वैसे भी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, अकेले क्या ही करना है। फिर वीडियो बनाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी यार। आ ही गया हमारा सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर तक आते हुए बहुत दिक्कत हुई है। हमारा है 305, तो यहाँ पे हम क्लासेस लेंगे। सो जल्दी आ जाएंगे सब। चलते हैं, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा एंड अपनी सीट पर जाके बैठते हैं। पता नहीं अभी कन्फर्म नहीं है।
क्या यही क्लास है या फिर दूसरा नंबर है तो इसी फ्लोर में, बट या देखते हैं, आई विल अपडेट यू सून। ओके गाइस, तो हम आपसे मिलते हैं आफ्टर 4 आवर्स। मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं और सबकी 40 मिनट्स की तो होती है, एटलीस्ट क्लास है तो 1 घंटा, बट या 40 to 45 मिनट्स चलती है। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर 4 आवर्स। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय। सो गाइस, आफ्टर 4 आवर्स फाइनली मैं अपनी 4 क्लासेस लेके निकल गई एंड थैंक गॉड क्या सारी क्लासेस हुई, एक भी टीचर एब्सेंट नहीं हुआ। वैसे होती नहीं है इतने रेगुलर क्लासेस यहाँ पे जिस तरह से टाइम टेबल दिया जाता है, बट ठीक है, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कॉलेज के भी हैं। और फाइनली मैं यहाँ से आई थी 12:30 के अराउंड। यहाँ पे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह रिलेटेड टू कंप्यूटर सीखती हूँ, धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी आगे की वीडियोस में। तो उसके बाद हम निकल गए थे घर आने के लिए। मॉर्निंग में तो मेरे फादर मेरे को ड्रॉप करते हैं, लेकिन आते वक्त मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है घर आने के लिए। तो या फाइनली सुबह 8:15 से क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद अराउंड 12:30 मैं पहुंची अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए। तो वो सब करा हमने और उसके बाद अराउंड 2:30 मैं निकली वहाँ से और अब घर पहुँचेंगे। 40 to 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं घर पहुँचने में। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची और मेरे को घर के लिए थोड़ी स्वीट्स लेनी थी, तो मैं वो ले रही, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है कि बहुत टाइम लग गया था लेने में। सो फाइनली हमें मिल गई हमारी स्वीट्स। फिर हम निकले घर आने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना भी पड़ता है, एकदम ही नहीं आएगा घर, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। सो तब तक आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं विधानसभा का कैसा है। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी है, तो वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अलग अलग जो संस्कृतियाँ होती हैं उनकी पेंटिंग्स की गई हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना। फाइनली हम घर पहुँच गए, तो डोर को ओपन करते हैं और जल्दी से फ्रेश होके आपसे मिलते हैं। बैक होम। फेस वॉश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, सो थक भी गए हैं बहुत। जूस से तो मेरी सारी थकावट ही दूर हो जाती है, इट वर्क्स एज अ मिराकल फॉर मी। सो ये मैं हमेशा अपने घर पे रखती हूँ कुछ भी हो जाए। लंच कर लेते हैं जल्दी से, वैसे चलने के बाद भूख तो लगती नहीं है, पर खाना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सो जाए क्या आज
या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सोएंगे तभी तो प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे आगे। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं थोड़ा सा सोना है। सो आफ्टर 10 मिनट्स मैं उठ गई थी, नींद ही नहीं आई। सो मैं खा रही हूँ इस टाइम खीर, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। सो अब थोड़ा सा नोट्स को फेयर आउट कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो सब डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में ही लिखते हैं, तो कुछ समझ तो आएगा नहीं, और ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के टाइम, तो इन्हें फेयर आउट कर लेते हैं। हार्डवर्क तो हर चीज़ में होता है गाइस। अगर आपके सामने खाना भी रखा है तो जब तक आप उसे खाएंगे नहीं आपका पेट नहीं भरेगा। तो उसके लिए भी हमें खाना है, फिर च्यू भी करना है उसको। तो मेहनत हर चीज़ में लगती है और उसका हमें फल भी ज़रूर मिलता है। और अपने गोल को हमेशा वक्त दें, और ज़्यादा टाइम नहीं है तो आजकल तो वीडियोस हैं, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अपने बिजी शेड्यूल में से भी आप अगर 1-2 घंटे उसे चाहे कैसे भी दें या वीडियो सुने, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन किसी ना किसी बहाने से एक भी दिन स्किप ना करें। चाहे 2 घंटे ही सही, 1 घंटा ही सही, कुछ सुने या कुछ करें आपका जो भी गोल है उसके लिए। आई एम बैक आफ्टर माई वर्क। कॉलेज आने के बाद इतनी नींद आती है लेकिन सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सो बट टुडे आई टुक अ डिसीजन एंड आई स्लेप्ट जस्ट फॉर 10 मिनट्स। आई टुक नैप 10 मिनट्स, देन उसके बाद मैंने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर टाइम मेरा लॉस हो जाए तो फिर बहुत कुछ लॉस हो जाता है। सो इसके वजह से खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है खुद ही, ठीक है। इट विल पे यू ऑफ इन फ्यूचर ऑफकोर्स। सो आप सब भी मोटिवेट रहें, खुद को मोटिवेट करें। मोटिवेशनल वीडियोज़ या फिर किसी का रूटीन मैंने बहुत देखा है ये सब, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन खुद अंदर से जो आती है ना, वो कभी किसी वीडियो वगैरह से देख के नहीं आती है। सो या के बाद मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है फॉर माई एग्ज़ाम। आई हैव परचेज्ड अ पेड बैच, उसके लिए मेरे को क्लासेस लेनी है अभी। सो वो लेंगे थोड़ा सा जाके। अभी मैं थोड़ा रिफ़्रेश हो रही हूँ छत पे, ठीक है। खुद को रिफ़्रेश रखना भी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, ठीक है, और ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहे। तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, अब उस रात होने वाली है, उसके बाद मैं अपनी क्लासेस लूँगी, फिर डिनर करके सीधा सोएंगे, क्योंकि और ज़्यादा हिम्मत नहीं है आज काम करने की। सो यार वर्किंग डे रहा है पूरा ही, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही थकावट हो गई, और सिर्फ कॉलेज या फिर जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उसके अलावा भी कुछ बीच में ऐसे काम ज़रूरी आ जाते हैं जो करने पड़ते हैं, ठीक है, कॉलेज के टाइम पे ही, बीच में जो भी थोड़ा सा बहुत टाइम फ्री मिलता है उसमें। सो या इट्स रियली अ वर्किंग डे टुडे। आज रिग्रीट नहीं होगा, सोने से पहले मेरे को हमेशा रिग्रीट होता है आज कुछ नहीं किया, आज टाइम ऐसे ही गया, ठीक है। लेकिन या टुडे इज़ अ प्रोडक्टिव डे आई कैन से। सो या रिफ्रेश होते होते थोड़ा सा यहाँ पे अपने फेवरेट नमकीन खाएंगे, जो बाजार वाले नहीं है, घर पे ही फ्राई किया है ना, एंड इट्स माई फेवरेट। कभी कभी थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ थोड़ा इंजॉय भी ज़रूरी है। सो इसे खाते हैं उसके बाद चलते हैं क्लास लेने। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, सो क्लासेस लेने चलते हैं और उसके बाद टाइम से सोने चलते हैं। कल फिर से कॉलेज जाना है एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। सो या सी या, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपका जो भी एम है, गोल है, आप उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्क करें, ठीक है। चाहे बहुत बिजी शेड्यूल है तो उसमें से भी एटलीस्ट 2 आवर्स अपने गोल को दें, ज़्यादा अगर नहीं हो पा रहा है तो, और वो भी रोज़ के लिए, ठीक है। रोज़ तो देना ही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो उसमें भी एटलीस्ट आप 2 आवर्स दें। अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ठीक है, तो चलते हैं, आप क्लास लेंगे एंड मिलते हैं आपको। आफ्टर 2 क्लासेस आई हैड माई डिनर
एंड इट्स माय फेवरेट राजमा राइस चपाती एंड रायता. सो इट्स वेरी यम्मी. एंड इसके बाद थोड़ा सा हमने 5 to 10 minutes वॉक किया और उसके बाद थोड़े से नोट्स रह गए थे, तो कल के लिए क्या ही छोड़ना किसी भी काम को, तो उसी दिन कर लो तो वही अच्छा है, क्योंकि कल भी वो काम नहीं होगा एक बार आलस आ जाए तो. सो खुद को थोड़ा सा पनिश भी करना पड़ता है कि नहीं आज ही करके सोना है. सो या डेट्स माई ब्लॉग एंड डेट्स माई डेली रूटीन व्हाट आई डू इन अ डे. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट. दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट.